स्वागत है आप सभी का सत्ता के ऊपर। सिक्योरिटी के लेके बहुत कम है, लोगों को झूठ बोला, सत्ता पाए, लोगों ने विश्वास किया, ठीक है जी, उसके बाद में इन्होंने कोई काम नहीं किया। और मेरे ख्याल से एक मेन मुद्दा पॉल्यूशन का है, मतलब पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पीछे है, देख लीजिए आप जाके। विधायक दिखाई देते हैं बीच में, जब जरूरत जरिए आएगा। अच्छा, वैसे कोई पूछता तो इलेक्शन के आने के टाइम पे कुछ न कुछ तो नया करके दिखाएंगे। स्वागत है आप सभी का सत्ता के ऊपर पर। हम मौजूद है दिल्ली की छतरपुर विधानसभा के फतेहपुर गांव में, और इस गांव के लोगों से हम रूबरू होंगे सरकार के कामों को लेकर, बीजेपी के कामों को लेकर। आखिर ये लोग सोचते क्या हैं कि सरकार ने अच्छे काम किए और अब की बार यहां के लोग, इस गांव के लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये लोगों से हम जानने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। रात के 9 बज चुके हैं लेकिन लोग जाग रहे हैं, जागरूक हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले युवाओं से ही बात करें, बड़े मुस्कुराते हुए युवा यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? विनय, विनतवर। ये BMW का सपना है क्या? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सपना। हो जाए तो बुरा क्या है? हाँ, आ जाए तो बुरा क्या है। चलिए, अब की बार पिछले 5 साल में कुछ काम वाम हुए हैं? हाँ, हुए तो है पर कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि कैमरे भी लगेंगे, और वैसे भी कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं है। कुछ कॉलोनियों में लग चुके हैं पर हमारे यहाँ पे अभी तक वो कैमरे नहीं लगे हैं। फतेहपुर में नहीं है, कॉलोनियों में लगे हैं, कुछों में भी। वो भी यानी कि जो वायदे किए थे पूरे नहीं हुए? हाँ, वो पूरे वायदे नहीं किए। आप क्या कहेंगे भाई, क्या रहा है आपकी बारी सरकार का काम? वैसे काम तो सब ठीक है पर बहुत से क्या नाम है, सिक्योरिटी के लेके बहुत कम है, और दूसरा सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत कम चीज है, और रोड वगैरह सब चीज़ बढ़िया की रही है। वैसे अब की बार बहुत से काम करे भी नहीं है, जैसे भाई ने बोला कि कैमरा वगैरह के सिस्टम थोड़ा हुआ, थोड़े की जरूरत है। हाँ जी, बहुत की जरूरत है, थोड़ी की नहीं जी, बहुत की जरूरत। हाँ जी, ठीक है सब, राम राम। मैं ये पूछ रहा था, इस सरकार में कुछ काम वाम हुए हैं? ये मैं केजरीवाल सरकार में नहीं, नथिंग टुमारो एंड ब्यूटीफुल, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या मैं बताऊंगा जी। आके इन्होंने झूठ बोला केजरीवाल सरकार ने, जब इनकी सरकार आई थी इन्होंने ये बोला था भाई हम विकास करेंगे। हाँ, लोगों को झूठ बोला। हाँ, सत्ता पाए, लोगों ने विश्वास किया, ठीक है जी, उसके बाद में इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो जैसा कि MCD के जो कर्मचारी है 15 साल, हाँ 15 साल से सर्विस कर रहे हैं, वे बेचारे आज तक नहीं है। DTC के है, ठीक है जी, सफाई विभाग के, मतलब और भी है, इन्होंने कर्मचारियों के लिए काम नहीं हुआ। नहीं, जो किया BJP ने किया। अब जो 1731 कॉलोनी है जिसमें हमारी मोदी सरकार ने पूरा काम किया, जिसमें फौज कॉलोनी है, वो फौज कॉलोनी में थे, वो भी करवा दिया। मैं ये दुआ करता हूँ अब भगवान ऐसी मोदी सरकार को सबको दे, ऐसी सद्बुद्धि आपको भी दे, आपको सबको दे ना। हाँ, मोदी सरकार तो सबको दे, पर यहाँ से विधायक किसको दे? मैं विधायक ब्रह्म सिंह तवर। अच्छा, हाँ, मिल जाएगी टिकट उनको? नहीं, टिकट देखो जी, ये मेरे हाथ में नहीं ना, इनके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। आसार क्या लगते हैं? आसार मुझे ये लगते हैं, जो मेरी आत वहाँ है, मैं हूँ सामाजिक कार्यकर्ता, ये मेरे परिवार के, ये भाई भतीजे, ये हमारे देवता है, ये चौपाड़ है, इनकी साफ सफाई करता हूँ। लेकिन जो मेरी अंदर की भावना, अंदर की जो भावना मेरी ये है, अगर मैं ब्रह्म सिंह तवर को और जो टिकट देने वाले को ये दुआ करता हूँ, ब्रह्म सिंह तवर टिकट दे, टिकट दे। ये इनके दिल की बात है भाई, ठीक है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की, जो अपना वाटर स्टोरेज है ना, आप इधर पीछे जाके देखिए तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में खड़े हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो आज जो एक हमारे PM भी जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक मेन मुद्दा पॉल्यूशन का है। आप इधर जाके देखिए, सारा पॉल्यूटेड एरिया है पूरा। अभी आप देखना यहाँ पे कूड़ा जल रहा होगा, पूरा धुआं निकल रहा होगा, मतलब जो पॉल्यूशन है वो सारा इस वजह से। यहाँ का कोई स्टोरेज नहीं है वाटर का, वाटर ऐसे फैला हुआ है और एकदम मच्छर। आपकी सरकार तो कहती है कि हरियाणा ने पॉल्यूशन कर दिया। नहीं, आप यहाँ देखो ना, आके देखो यहाँ पे, हम क्या है, हमने चिट्ठियां भी लिख के भेजी है गवर्नमेंट को, और केस भी शायद हमने दायर किया है, और बहुत ऐसे कुछ है जो मुद्दे भी हमारे चल रहे हैं, MCD में भी है, NDSC में भी है। आप इतनी सारी समस्याएं बता रहे हैं, आपके विधायक नहीं दिखाई देते कहीं? नहीं जी, सबको कंप्लेंट की है, सब जानते हैं इस चीज को, और आप देख लीजिए, आप अगर एक फोटो आप इधर का ले लो तो आपको विधायक करतार जी क्या कहते हैं? देखो जी, विधायक को भी बोला है, वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि भाई हो जाए ये, लेकिन क्या है, कहाँ अटकी है बात, मतलब पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पीछे है, देख लीजिए आप जाके ये समस्या, क्योंकि मतलब कितने ही। आप क्या कहेंगे जी, सरकार ने कुछ काम वाम करे हैं यहाँ पे?
सरकार ने तो काम करते नजर नहीं आया, ये रोड तो बनाया बस। अच्छा, बस ठीक ठाक बन गया। वो भी बात क्या बना, बस जसबना बनने आपका सामने देख लो पानी खड़ा है कहीं पे कुछ है। चलो विधायक दिखाई देते हैं बीच में। अरे विधायक आया था जब आ जाएगा, पांच साल में छह साल जब कमीन कर जब आ जाएगा। यानी कि चुनाव के टाइम पे ही आते हैं बस। ये तो बड़ी चुभती सी बात कह दी, आ जाएंगे टाइम पे। आज जब जरूरत पड़ेगी जब जरूरत पड़ेगी जभी आएगा। अच्छा, वैसे कौन पूछता अब आपकी जरूरत में नहीं आते। ओ अच्छा, क्या नाम आपका? सतपाल। बताऊंगा विधायक जी को आपके बारे में, शौक से बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, ये तो भाई बड़े दुखी से आदमी है। आपको क्या लगता है जी, बीजेपी की सरकार में काम अच्छे हुए या आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में? आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली का बना दिया बिल्कुल। क्या लगा लो कि अब की बार तो बीजेपी की शासन आवे तो ही काम होएगा, काम चलेगा। हाँ अच्छा, और केजरीवाल तो अभी भी पब्लिक को घुमा रहा, कहीं बस भेज रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ कर रहा। इसमें आज भी फिर आगे भी बनाने का पूरा प्लान है उसका। हाँ अच्छा, हाँ जी, यानी कि बेकार हैं, काम वाम नहीं हो रहे। काम वाम कुछ नहीं हो रहे, वैसा ही है। काम कब हुए हैं यहाँ पे? काम पहले होते थे पर जब बजट कम था उस टाइम, तो अब तो ऐसा है जो कैमरा वगैरह के लिए बोला था वो भी नहीं लगे गाँव में, तो बिल्कुल कहीं कहीं लगवा देंगे अब, कहीं भी नहीं लगे जी अभी तो। देखो जी, इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के आने के टाइम पे कुछ ना कुछ तो नया करके दिखाएंगे। बाकी ऐसा कोई काम वाम हुआ नहीं है, जितने भी वादे किए थे सब फेंक जा रहे हैं। अभी ये कुछ दिन से कहीं वैष्णो देवी बस भेज रहे हैं, कहीं कहाँ पे बस भेज रहे हैं, तो ये जुमले छोड़ने वाली बात है। इलेक्शन आ रहा है तो अपना थोड़ा दिखा रहे हैं, आनी बाकी कोई काम ऐसा यहाँ पे इस एरिया में तो इतना अच्छा काम हुआ नहीं है। बड़ी कॉलोनियों में तो लोग कह रहे हैं हमारा पानी फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, आपको क्यों लगता है? नहीं, पानी फ्री हो गया वो इसीलिए तो हो गया कि अब टाइम आ रहा है वोट लेने का। पहले नहीं हुआ, पहले कुछ भी फ्री नहीं हुआ, हर चीज का दिया गया। और कभी भी कम नहीं हुए, अब जाके क्यों हो रहे? क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहा है दो महीने से, तो भैया उनको अपनी वोट बनानी है तो उनको करना तो है ही है। बाकी वादे बहुत किए हैं लेकिन निभाया कोई नहीं है। कोई एक आध करा हो तो उसको कह नहीं सकते, ना कोई कैमरे लगे हैं ना कोई। तो इसने तो पलीता लगा दिया जी उनकी पार्टी के ऊपर, आप क्या कहोगे? नहीं जी, आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए जो कभी सरकार सत्ता में आई थी 67 सीटें लेकर के आई थी, तो उनको 67 सीटें लेकर आई थी तो उन्होंने भी तो उस समय ये वादे किए थे, 70 वादे दिल्ली के अंदर किए थे। 70 वादों में से अगर 5 साल के बाद अगर पहला वादा वो करता है कि मैं सीसीटीवी कैमरे लगाता हूँ, तो 5 साल के बाद सोचता है क्या उन्हें? आज कहता है कि भाई मैं टूर भेज रहा हूँ। टूर किसकी जेब से भेजा जा रहा है? ये जो टूर भेजे जा रहे हैं लोगों को, जुमला बनाया जा रहा है कि मैं टूर भेज रहा हूँ, घुमाने के लिए भेज रहा हूँ, उनको किसकी जेब से जा रहा है वो पैसा? हमारी जेब से जाएगा, किसकी जेब? कल को हमारे ऊपर ही टैक्स लग जाएंगे, कल को हमारे ऊपर ही सब कुछ हो जाएगा। आज कहता है कि केजरीवाल जी मैंने बिजली 200 यूनिट तक फ्री कर दी। ठीक है, मान लिया आपने 200 यूनिट तक फ्री कर दी, लेकिन वो कब तक आज से पहले क्यों नहीं की गई? जबकि सरकार आई थी तब भी ये 200 यूनिट का मामला चला था, तब भी उसमें बोला गया था, तब भी उसमें डिक्लेयर हुआ था कि 17 लाख रुपए पर मंथ डेसू को दिया जाता है दिल्ली सरकार। ये तो हुई पूरी दिल्ली की बात है। अब आपके फतेहपुरी की बात कर ले, आपके विधायक दिखाई देते हैं यहाँ पे? नहीं, हमारे विधायक तो हमारे गाँव के गाँव में रहते हैं, लेकिन जब कोई निजी कोई बात होती है, कोई गांव की समस्या होती है, तो हमें तो कभी नजर नहीं आते, रोड से भी नहीं निकलते, अपनी गाड़ी से बैठते निकल जाते हैं। अच्छा, जब हमें कोई जरूरत होती है तो हम उसके पास पहुंचते हैं, हमें आश्वासन देते हैं हाँ जी मैं आपका काम कराऊंगा। वो तो बिजनेसमैन आदमी है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें हम तो गाँव के आदमी है, सारे ही गाँव के हैं, तो सुनवाई तो उतनी नहीं हो पाती ना। आज फतेहपुर गाँव की जो स्थिति है, अभी तक हमने अगर इस विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, लोगों से बात की है तो ज़्यादातर लोग विधायक से बड़े ज़्यादा नाराज़ हैं, आम आदमी पार्टी से भी ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे। फिर मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा है, तो छतरपुर विधानसभा में आकर के केजरीवाल जी को या फिर यहाँ विधायक जी हैं संभाल लेना चाहिए मामला, जिस प्रकार से दिखाई देता है। कैमरा सहयोग संजय के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।